होगा जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। आज यांगची का बर्थडे है, वो स्कूल में मौजूद है। अब तक किसी ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया। फिर होता ये है कि मो चैन स्कूल ब्रॉडकास्टिंग रूम में घुस जाता है और माइक पे अनाउंसमेंट करते हुए कहने लगता है कि हेलो एवरीवन, प्लीज सब शांत हो जाएं और मेरी बात गौर से सुने। आज किसी स्पेशल पर्सन का बर्थडे है, मैं उसके लिए बर्थडे सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूँ, चलो फिर सब के सब उसे बर्थडे विश करो। मो चैन ने तो कमाल कर दिया, इसने आज के दिन को यादगार बना दिया। इसे कहते हैं असली सरप्राइज। यांगची हैरान होने के साथ साथ काफी खुश भी है, उसने ऐसा सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्लासमेट्स और दूसरे स्टूडेंट्स उसके पास आके उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। मो चैन को किसी बात की फिक्र नहीं है, यांगची की खुशी के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है। बर्थडे हो तो ऐसा जिसकी गूंज पूरे स्कूल में सुनाई दे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांगची क्लास में होती है तो तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश होके गिर पड़ती है। मो चैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यांगची अभी भी बेहोश है, मो चैन उसके पास बैठा है और काफी परेशान दिखाई दे रहा है। शुक्र है कि खतरे की कोई बात नहीं, यांगची होश में आ गई। वो मो चैन से कहने लगती है कि चिल्ला क्यों रहे थे दफर, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। वो कहता है कि मैं तो परेशान नहीं था, पता था तुम जिंदा हो जाओगी। यांगची के पेरेंट्स को उसके हेपाटाइटिस वाली बात पता चल गई। मॉम रोने लगती है। यांगची उससे कहती है कि मॉम आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगशू यांगची के पास जाके उससे कहने लगती है कि तुम लीशन से दूर रहा करो, तुम ऑर्डिनरी फैमिली में से हो, सपने देखना छोड़ दो। यांगची उससे बोलती है कि अच्छा अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। लीशन के दिल में लिंचू के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात लिंचू को भी पता चल चुकी है। अब वो यांगची को सबक सिखाना चाहती है ताकि वो लीशन से दूर हो जाए। एक दिन लिंचू बैड बॉय जियांग से जा मिलती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम इस लड़की को सबक सिखा सकते हो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तुम बस उसे डरा देना ताकि वो लीशन से दूर हो जाए। जियांग ये काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि इसे मो चैन से रिवेंज जो लेना है। नेक्स्ट इवनिंग जब यांगची अपने फ्रेंड के पास जा रही होती है तो तभी कुछ गुंडे लोग उसके सामने आ जाते हैं। अरे नहीं, ये तो जियांग है। फिर क्या, ये लोग यांगची को किडनैप्ड करके अपने साथ ले जाते हैं। जियांग मो चैन को फोन करके उससे बोलता है कि अगर यांगची को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से बिल्डिंग नंबर 6 में आ पहुंचो। जब मो चैन वहां पे पहुंचता है तो कोई एक उसके सर पे डंडा दे मारता है, वो बेहोश होके गिर पड़ता है। यांगची रो रही है। जब मो चैन होश में आता है तो गुंडे लोग उसे बेदर्दी से मारने लगते हैं। मो चैन को अपनी फिक्र नहीं है, वो बस ये चाहता है कि यांगची को कुछ ना हो। फिर क्या, वो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। गुंडे लोग उसे मुसलसल मारते जा रहे हैं। मो चैन को दर्द का एहसास नहीं हो रहा, यांगची की वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार। यांगची कुछ नहीं कर पा रही। जियांग ने अपना रिवेंज ले लिया, इसे कंफर्म हो गया है कि अब मो चैन जिंदा नहीं बचेगा। फ्रेंड्स वहां पे आते हैं और वो लोग इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। मो चैन की हालत काफी खराब है, वो खून से लथपथ है। यांगची के आंसू नहीं रुक रहे, मो चैन बेहोश पड़ा है, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। यांगची रोते हुए कहने लगती है कि स्टूपिड, ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम वहां पे क्यों आए, उठ जाओ, बहुत देर से सो रहे हो, अब चलो उठ भी जाओ, होश में आ जाओ, प्लीज उठ जाओ ना, चलो घर चलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। रो रो के यांगची का बुरा हाल हो गया है, पर मो चैन होश में नहीं आया। डैड उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा।
यांगशी कहती है कि नहीं डैड, डर लग रहा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेशरम लिन शू गिल्टी फील कर रही है। वो यांगशी को सब कुछ बता देती है और कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी, मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। यांगशी कहती है कि तुमने बहुत ही घटिया हरकत की है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मू चैन की जान खतरे में पड़ गई है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन शू की मॉम ली शुन से बोलती है कि प्लीज तुम यांगशी से जाके बात करो, उन्हें राजी करो, नहीं तो लिन शू की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लिन शू के मॉम डैड भी यांगशी के पेरेंट्स से आके मिलते हैं और उनसे मिन्नतें करने लगते हैं। प्लीज आप लोग सब कुछ भूल जाएं, जितने पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। यांगशी के मॉम डैड उसे साफ मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर ये सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तो क्या तुम हमें माफ कर देती, हम केस वापस नहीं लेंगे, आप जा सकती हैं। उसके बाद होता ये है कि ली शुन हॉस्पिटल आ पहुंचता है और वो यांगशी से कहने लगता है कि क्या तुम वो सब भुला नहीं सकती, तुम लिन शू को माफ नहीं कर सकती। यांगशी कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, लिन शू की वजह से मू चैन सीरियस हालत में बेड पे पड़ा है और तुम उसके लिए भीख मांगने आए हो, तुमने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। मू चैन अब तक बेहोश पड़ा है, यांगशी उसके पास बैठी है, जब तक मू चैन होश में नहीं आता तब तक यांगशी यहाँ से नहीं जाने वाली। कुछ देर बाद होता ये है कि मू चैन की आंख खुलती है, वो कहने लगता है कि यांगशी तुम जाग रही हो, ये देख वो चिल्ला के कहने लगती है कि मॉम डैड जल्दी से आओ, मू चैन होश में आ गया। फिर क्या, सब के सब वहाँ आ पहुँचते हैं, मू चैन के डैड के दिल को सुकून मिला, सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। बाद में यांगशी मू चैन से कहती है कि मैं काफ़ी डर गई थी, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी वजह से तुम इस हाल में हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे फिर कौन टीस करता। मू चैन कहता है कि स्टूपिड, रोते हुए तुम्हारा फेस अगली हो जाता है, नो रोना धोना, चलो अब हंसो मुस्कुराओ। हो यूं ही रो मैं नहीं दूंगा। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।